आरआरबी एनटीपीसी कटआप के लिए ये अगली वीडियो सीरीज है और इसमें हम बात करेंगे मुंबई और कोलकाता के कटआप के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोन पर भी वीडियो बने तो आपको अपने जोन का नाम और आपने परीक्षा में कितना अटेम्प्ट किया है ये हमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके बताना होगा। ढेर सारे जोन का कटआप हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको उनका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। इस ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएँ, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए बात करते हैं कि मुंबई जहां पे 3,665 सीटें हैं यहां पे इस बार क्या कटआप रहेगी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मुंबई में कितने लोगों ने आवेदन किया था एनटीपीसी के लिए। तो यहां पे एक नोटिस जारी की गई थी आरआरबी के द्वारा और ये नोटिस आपको कई सारे बोर्ड पे मिल जाएगी। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप आरआरबी चेन्नई के पेज पर जा करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 नंबर पर मुंबई है और मुंबई में जो कुल आवेदन हुए थे इनकी संख्या है 11,44,836। यानी कि अगर आपको यहाँ हम लिख के बताएं तो इसकी संख्या है 11,44,836। इतने लोगों ने मुंबई में आवेदन किया था। इस बार एग्ज़ाम हुआ ये लगभग 2 साल बाद और इस 2 साल होने के कारण जो इस बार लोगों का परसेंटेज रहा उपस्थिति का ये रहा केवल 55-56 के आसपास, 50 से 55 यही लोग उपस्थित रहे इस बार के एग्ज़ाम में। तो अगर 11,44,836 लोगों में से लगभग 55% लोग एग्ज़ाम में उपस्थित रहते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम चलते हैं कैलकुलेटर में और यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। 836 इसका हम निकाल लेते हैं 55%, ये हो गया 6,29,659, यानी कि लगभग मैं कहिए तो 6,30,000। इसके बाद अब आपको देखना है कि मुंबई में कितनी सीटें थी। तो 3,665 सीटें हैं मुंबई में। 3,665 सीटों के लिए मेंस में जिन कैंडिडेटों को कॉल किया जाएगा इनकी संख्या होगी सीट का 20 गुना। मतलब कि आपको पता ही होगा कि बोर्ड ने कहा था कि जब मेंस होगा तो हम 20 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो जब 3,665 सीटें हैं तो इसके 20 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो जब इतने कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा तो इनकी संख्या हो जाएगी 73,300। यानी कि मुंबई के लिए जो CBT 1 हुआ है इसमें इतने लोग पास किए जाएंगे। अब इतने लोग पास किए जाएंगे, परीक्षा कितने लोगों ने दिया है, परीक्षा दिया है लगभग 6,29,000 लोगों ने। तो अगर आप देखेंगे 6,29,000 में अगर आप 73,300 से भाग देंगे तो ये होगा लगभग 8। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है 8। यानी कि अगर आप मेंस में जाना चाहते हैं तो आपको 8 लोगों का कंपटीशन पार करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8 लोगों को पार कर देते हैं मुंबई जोन में तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। देखिए, अगर आपने पहले कोई वीडियो देखा होगा और उसमें ये देखा होगा कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 300 या फिर 350 कटआप है, तो वो जो 350 या फिर 300 आपको देखने को मिल रहा है वो है फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको CBT 2 देने को मिलेगा या फिर नहीं, या फिर ये कहिए कि क्या आप CBT 1 पास करेंगे। तो मुंबई की बात करें तो केवल 8 लोगों का कंपटीशन है CBT 2 में जाने के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर मुंबई में कटआप क्या रहेगी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जनरल की तो मुंबई की कटआप इस बार काफ़ी कम रहने वाली है पिछले बार की अपेक्षा, और इस बार जो इसकी कटआप होगी ये करीब होगी 59 से लेकर के 61 के आसपास जनरल की। अगर आप OBC से हैं तो OBC की कटआप जनरल से थोड़ी सी ही कम जाएगी, ज़्यादा कम की उम्मीद करना ठीक नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुंबई में ज़्यादा सीट को देख करके इधर का उधर आवेदन किए हैं।
तो यहाँ पे जो ओबीसी का कट ऑफ रहेगा ये रहेगा 55 से लेकर के 56 के समथिंग में। जो ईडब्ल्यूएस होगा इसको इस बार बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इसका कट ऑफ ओबीसी से भी नीचे जा सकता है, यानी कि ये होगा करीब करीब 53 से लेकर के 54 के आसपास। अगर हम एसी की बात करें तो एसी की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी और ये हो जाएगी आपका करीब 49 से लेकर के 51 के आसपास। एसटी की बात करें तो अगर आप 45 प्लस हैं एसटी में मुंबई जोन से, तो आप समझिए कि आपको CBT2 में बुलाया जाएगा, आपको CBT2 की तैयारी करनी चाहिए। तो ये रहा मुंबई जोन। अगर आपने मुंबई से ही एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कट ऑफ कितना हद तक सही है और आपने कितना अटेम्प्ट किया था। अब बात करते हैं जो अगला जोन है उसके बारे में, और जो अगला जोन हम ले रहे हैं ये है कोलकाता। जैसा कि आपको पता होगा कि कोलकाता में इस बार 2949 पद हैं, लेकिन अगर आप इस पीडीएफ फाइल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोलकाता जो कि 13वें नंबर पर है इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आवेदन किया है इसकी संख्या है करीब करीब 8,15,121। अब इसी कैलकुलेटर पे हम फिर से चलते हैं, 8,15,121। अब जैसा कि हमने पिछले वाले कट ऑफ में देखा था कि इस 8 लाख में से भी लगभग 55% लोग ही एग्ज़ाम में भाग ले पाएंगे। एक सौ इक्कीस लोग थे, इसमें से जब 55% लोग ही एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं तो कितने लोग हैं जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो इसका हम 55% निकाल लेते हैं और यहाँ पे इनकी संख्या आ गई 4,48,316, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग लगभग 4,50,000, इतना लगभग लगभग 4,50,000 लोगों ने इस बार कोलकाता जोन्स के एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है। अब 4,50,000 लोग तो एग्ज़ाम दे दिए हैं, यहाँ पे कोलकाता में सीटें हैं कितनी, 2949। तो अगर आप इसको कर लें कि 2949 के लिए, मतलब 2949 के लिए मेंस में कितने लोगों को कॉल किया जाएगा, तो इसका 20 गुना, मतलब कि 2949 का 20 गुना लोग बुलाए जाएंगे और इनकी संख्या होगी लगभग 58,980। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 58,980 लोग कॉल किए जाएंगे CBT2 के लिए कोलकाता जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पर व्यक्ति कितना कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के 4.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं और लगभग 58,980 लोग मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे, यानी कि आपकी जो कंपटीशन है ये है करीब करीब 7 के समथिंग। अभी आपने देखा था मुंबई में कितना था, 8 था, लेकिन जो कोलकाता है यहाँ पे कितना हो गया, 7, यानी कि जो कोलकाता की कट ऑफ होगी ये मुंबई से कम ही होगी थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं कि आखिर कितना कम होगी, तो इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। ये रहा चार्ट और यहाँ पे हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कोलकाता में जनरल की, तो जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है ये रहेगा समथिंग 57 से लेकर के 59 के। अगर हम ओबीसी की बात करें, अगर आप 55 प्लस हैं तो आप ओबीसी में सेफ जोन में माने जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का स्कोर इस बार ओबीसी से कम जाएगा या फिर इन दोनों का स्कोर लगभग बराबर रह सकता है। तो मान लीजिए अगर आप 54 से लेकर के 55 के आसपास हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से आसानी से CBT2 में चले जाएंगे। एसी की बात करें तो एसी का इसमें काफ़ी कट ऑफ कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 48 से लेकर के 50 के आसपास। एसटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस, यानी कि अगर आप 44 से अधिक हैं और कोलकाता जोन में हैं तो आप जानिए कि आप CBT2 के लिए कॉल किए जाएंगे। देखिए एक बात आप अच्छे से समझ जाइए कि जो CBT2 है यहाँ पे केवल और केवल 7, 8, 10, 12 इन्हीं लोगों को कंपटीशन में बाहर करना है, लेकिन जब आप CBT2 में जाएंगे, ये CBT1 की हम बात कर रहे थे, लेकिन जब आप CBT2 में जाएंगे तो वहाँ पे पर सीट 20 लोग होंगे
और ये सभी 20 लोग CBT 1 पास करके आए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हाई होने वाला है। तो ये रहा कोलकाता जोन का। अगर आप कोलकाता जोन के अभ्यर्थी हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और आपके हिसाब से इसकी कट ऑफ कितने जा सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।